हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बेल का शरबत बनाएंगे। सबसे पहले हम बेल लेंगे और उसके पल्प को निकाल लेंगे। ध्यान रहे, बेल की ऊपर की सतह सख्त होती है, इसलिए हम इसे किसी भारी चीज से तोड़ लेंगे। अब हम इसके सारे पल्प को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें आधा कप चीनी, आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब पल्प को पानी में अच्छे से डुबो देंगे। अब इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। हम इसे ढककर इसलिए रख रहे हैं ताकि चीनी और पल्प पानी में अच्छे से घुल जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब हम पल्प को हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। अब इसे हम छान लेंगे। अब इसमें ऊपर से पानी डालते हुए इसका बाकी बचा हुआ रस भी निकाल लेंगे। इसे हाथों से दोबारा से अच्छे से मसल लेंगे। पल्प में से सारा रस निकल चुका है। अगर आपको रस थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अब इसे ठंडा करने के लिए इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। ये ड्रिंक गर्मियों के लिए काफी फायदेमंद है। आप इसे और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। बेल का शरबत बनकर तैयार है। आप इसे गेस्ट को ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।